पिछले 2 दिनों से मेरे सामने एक शॉर्ट्स फिल्म का एड आया जा रहा था, लेकिन मैंने 2 बार उसको इग्नोर किया, लेकिन तीसरी बार जब मैंने उसे गौर से देखा तो इस पर 3 चीज़ें ऐसी दिखी मुझे जो कि मुझे उसे देखने के लिए विवश करती रही थी। मतलब मैंने वो खोलकर फिर देख ली। वो 3 चीज़ें क्या थी? सबसे पहले तो उस पर लिखा हुआ था शॉट ऑन iPhone 14। दूसरी चीज़ उस पर विशाल भारद्वाज जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और कंपोज़र हैं। तीसरा, हमारे गुलजार साहब की उसमें पोइट्री भी थी। तो ये 3 चीज़ें मुझे उसको देखने के लिए और ज़्यादा फोर्स कर रही थी कि अब तो मुझे ये देख लेनी चाहिए। उसके बाद वो पूरी जो शॉर्ट फिल्म थी वो 30 मिनट की थी। उसके बाद मैंने वो पूरी 30 मिनट की शॉर्ट फिल्म देखी। शॉर्ट फिल्म की अगर अब स्टार कास्ट की बात करें तो उसमें आपको ईशान खट्टर आपको देखने के मिलेंगे, भूमिका गब्बी जी देखने के लिए मिलेंगे, सलमान यूसुफ खान और भी बहुत सारे उसमें किरदार आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब आप पूरी इस फिल्म को देख लेते हो, अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ तो एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपको 30 मिनट में एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे जो कि टाइम ट्रेवल के ऊपर है। मतलब एक ऐसा हमारा हीरो है जो कि एक ऐसी मशीन उसने बनाई है, वो आने वाला समय देख सकता है, आने वाला टाइम देख सकता है। तो ये स्टोरी इसी बेस पर चलती रहती है जो कि आपको 30 मिनट के अंदर 4-5 गाने उसमें देखने के लिए मिलते हैं। मतलब ये कि गुलजार साहब की पोइट्री के साथ साथ उन गानों के साथ साथ आपको वो स्टोरी दिखाई जाती है। और स्टोरी वो इतनी फास्ट फास्ट चलती है कि आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप 1-2 मिनट के लिए तो आप ये सोचेंगे यार ये हुआ क्या, ये भी स्टोरी कहाँ थी, ये भी कहाँ आ गई। तो इस तरह से कुछ वो स्टोरी हमें दिखाई गई है। तो भैया 30 मिनट में आपको फुल एंटरटेनमेंट वो देती है शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है फुर्सत। इसको आप फ्री में देख सकते हो YouTube चैनल पर। और विशाल भारद्वाज जी ने ये एक सोच बदली है लोगों की। मतलब पहले भी ऐसा हुआ है कि OnePlus से शूट हुई है एक शॉर्ट फिल्म, लेकिन ये इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि एक iPhone 14 से आपको एक शॉर्ट फिल्म शूट करके दी गई है जिसमें कि आपको ऐसा नहीं, अगर ये नहीं बताया जाता कि ये iPhone से शूट हुई है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये एक iPhone से शूट किए गए। हाँ, वो सारे गैजेट्स तो उसके साथ यूज़ किए गए होंगे जैसे कि गिम्बल वगैरह और बहुत सारी चीज़, लेकिन शूट सारी वो iPhone से हुई है। और गुलजार साहब की पोइट्री मतलब गाने आपको देखने के लिए उसमें मिलेंगे। तो आप इस 30 मिनट में एंटरटेन तो होंगे, पक्का होंगे। फ्री में देखने के लिए मिल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जाकर एप्पल के आप ऑफिशियल अकाउंट पर देख सकते हैं। तो वो 30 मिनट में जो 4 से 5 गाने आए हैं तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और उसके साथ साथ वो स्टोरी देखने, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ मेरा समय ख़राब हुआ। मतलब मैंने एक अच्छी यूनिक चीज़ देख ली उस 30 मिनट में, और एक आईफोन से शूट की हुई वो चीज़ मैंने वो देख ली। तो आप भी देख लीजिए फ्री में, कोई पैसा नहीं देना, जाकर देख लीजिए। और कैसी लगेगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और देख ली है तो मुझे वो भी बता दो कि आपको कैसी लगी। और चलता हूँ, फिर मिलूंगा और एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।